नमस्कार, मैं हूं शेफ कुणाल कपूर और आज हम बनाएंगे वेजिटेबल दम बिरयानी। अब आप बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, वो वीडियो तो आप पहले भी बना चुके हो और काफ़ी लोगों ने वो देखा भी हुआ है। देखिए जी, आज की वीडियो में और पहले वाले वीडियो में फ़र्क इतना है कि जी आज हम बनाएंगे हेल्दी बिरयानी। वो कैसे? हम इसमें तेल का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। और फिर आप बोलेंगे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, प्याज को तलना पड़ता है, ब्रिस्ता बनता है, फ्राइड अनियन के बगैर बिरयानी का फ्लेवर नहीं आएगा। तो अनियन भी फ्राई होगा, बिना तेल के होगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी हेल्दी वेज दम बिरयानी। अब ये लेस ऑयल वाली नहीं, नो ऑयल बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्याज को तलना है। मतलब मैंने इसे तलना है, मतलब उसे ब्राउन करना है यार, मतलब तेल का इस्तेमाल नहीं हो रहा। और उसका सबसे पहला स्टेप है, प्याज को आपको एक तेज चाकू की मदद से पतला पतला स्लाइस करना है। ये देखिए यूं। और अगर आखिरी सिरा आपसे स्लाइस नहीं हो रहा इवनली, उसे मत करिए। किसी और सब्जी में, सलाद में या फिर रायता के अंदर बिरयानी के साथ जो सर्व होता है उसमें काम आ जाएगा। अब देखिए, प्याज अगर आप इत्मीनान से समानता से काटेंगे ना, तो आपके जो एंड में बिरयानी बनेगी उसका टेस्ट लाजवाब होगा। इसलिए तेज चाकू, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, जितना पतला हो सके उतना पतला आप काट सकते हैं। अब देखिए, प्याज काटते वक्त ना आपके आंसू बहुत निकलेंगे, रुलाता है ना, इसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ एक इलाज है कि यहाँ पर ना पंखा रख दो, एक छोटा सा जो शू करके यहाँ पर हवा मारे और प्याज का जितना जो कड़वा पानी जो हवा में वेपर्स बन के उड़ रहा है वो बाहर चला जाए, तो आपकी आंखों तक नहीं आएगा। दैट्स दी ओनली वे कि प्याज आपकी आंखों में नहीं लगेगा। बाकी फ्रिज में रख लो, ये कर लो, वो कर लो, कान के पीछे प्याज का छिलका ला लो, कुछ नहीं होने वाला उससे। ये देखिए कितना पतला ये प्याज कटा है, इसकी चौड़ाई देखिए कितनी कम है, ये चाहिए। प्याज हमारा तैयार। अब क्या करना है जी, सबसे बड़ा पैन जो आपके पास है आपकी किचन में उसे लेना है, गैस ऑन, और इसके अंदर प्याज को यूं फैला दीजिए, यूं खोल के आंच एकदम हाई पर रखिए, हाई हीट, ऐसे, परफेक्ट। अब हाई हीट पे जब ये प्याज पकेगा बिना तेल के, तो खुद ब खुद इसका जो मॉइस्चर होगा वो रिड्यूस होगा और ये धीरे धीरे ब्राउन हो जाएगा। और देखिए, बिरयानी जब हम बनाते हैं ना, तो तेल दो जगह इस्तेमाल होता है, एक होता है प्याज को तलने के लिए और दूसरा होता है जब चावल आप डालते हैं तो चावल के ऊपर डाला जाता है तेल, घी या मक्खन, जिससे चावल जो है उसका कण कण अलग हो, वो रूखा ना रहे या चिपक कर वो डलिया ना बन जाए। तो उस स्टेज पर जाकर क्या करना चाहिए कि चावल एक साथ इकट्ठा ना हो, देखेंगे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा। फॉरवर्ड नहीं करना। ये देखिए हल्का सा प्याज का रंग चेंज हुआ है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आँच को तेज़ रखना है और प्याज को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देना, फैलाना है ताकि उसका जो अंदर पानी है वो सूख जाए। जैसे ही वो सूखेगा प्याज ब्राउन होना शुरू। ये देखिए किस तरीके से प्याज रंग बदल रहा है, लेकिन अभी भी कच्चा है, पूरा पका नहीं। ये देखिए करीबन 7 मिनट हुए मुझे इसे पकाते हुए और इसका रंग जो है ब्राउनिश हो गया है, लेकिन अभी भी अंदर ना कच्चा है, मॉइस्चर है, इसलिए ये अभी और भुनेगा। इस स्टेज पे गैस को हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे, तेज पे नहीं, क्योंकि अब प्याज जल सकता है। वो कहते हैं ना इंतजार का फल मीठा होता है। ये देखिए कैसे धीरे 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 ढेर सारा प्याज था, कैसे वो सिकुड़ के यूं ब्राउन अनियन हो गया है या फ्राइड अनियन, बिना तेल का फ्राइड। ये देखिए, और देखिए जब ये तैयार हो जाएगा ना, तो बिना किसी रेजिस्टेंस के पूरे पैन में ये घूमेगा, क्योंकि ड्राई हो गया ना तो मॉइस्चर नहीं है इसको पकड़ने के लिए। ओके जी, इंतजार की घड़ी हुई खत्म। ये रहा हमारा फ्राइड अनियन बिना तेल के। अब निकालने के बाद इसे फैला लीजिए यूं, ताकि इसे हवा लगे और ये और ज़्यादा सूख कर कड़क हो जाए, परफेक्ट। अब हम चलेंगे बिरयानी की सब्जियों की तरफ। मनचाही सब्जियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग शेप में भी काट सकते हैं। हमने लिए जी गाजर, और हाँ, क्योंकि बिरयानी दम पर पकती है तो
तो उसके अंदर काफ़ी हीट होती है, इसलिए सब्जियों का साइज़ बड़ा होना चाहिए, वरना छोटी होगी मैशी हो जाएगी, घुल जाएंगे। ये जी हमारी बीन्स, हमने ली है जी गोभी, मटर है लेकिन वो एंड में डालेंगे क्योंकि मटर बड़े नाजुक होते हैं। और मसाले जी हमारे बड़े सिंपल हैं, सबसे पहले पाउडर्ड मसाले, ये गई जी हल्दी, ये लाल मिर्च का पाउडर और नमक, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हरी इलायची, थोड़ी सी जावित्री, ये है शाही जीरा और दालचीनी, इसी के अंदर स्वाद अनुसार मिर्ची, तीन चार हरी मिर्चें तो आप डाल ही सकते हैं, और ढेर सारा पुदीना, स्वाद को बढ़ाने के लिए अदरक और लहसुन की पेस्ट और दही। अब क्योंकि हम इस डिश के अंदर या इस बिरयानी के अंदर ऑयल नहीं डाल रहे, जो हमें चिकनाहट चाहिए वो दही से आएगी, इसलिए दही की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा। हमारा बिना तेल वाला ब्राउन अनियन, ब्यूटीफुल, और अब इसे हम मिक्स करेंगे, नाइसली मिक्स इट अप। और थोड़ा सा प्याज ना मैंने बचा लिया गार्निश के लिए, गार्निश में काम आएगा। और कई लोग ना अलग अलग तरीके से बिरयानी बनाते हैं, विच इज़ फाइन, क्योंकि बिरयानी की कोई एक रेसिपी तो है नहीं। हमारी जो ये रेसिपी है ना बड़ी सिंपल सी है, साधारण सी है, ना ही इसमें कोई अलग से हट के बिरयानी मसाला जाना है, ना ही इसमें कोई धनिया है, जीरा पाउडर जाना है, सिर्फ हल्दी और मिर्ची, ये दो मेन मसाले, और साथ में इलायची और जावित्री, बस ये चार, और इन्हीं से बढ़िया बिरयानी बनेगी। अब सब्जियां तो मैरिनेट हो गई हैं, पकाना भी है, इसलिए एक बड़े बर्तन को हम गरम करेंगे और उसके अंदर बिना ऑयल के ये सब्जी जाएगी, ऑल ऑफ इट, और खुले बर्तन में तेज आंच पर इसे हमें पकाना है, स्टर करते रहिए इसे। मिक्स इट अप नाइसली, जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आता ना, सब्जियों को आप जेंटली यूं मिक्स करते रहिए, तेज तेज करेंगे तो सब्जी टूट सकती है, स्पेशली गोभी का फ्लोरेट, इसलिए बी वेरी केयरफुल, तभी मैंने बोला खुला बर्तन उसमें पकाइए। ये देखिए जैसे इसके अंदर बॉयल आता है, इसके ऊपर लगाएंगे हम ढक्कन और गैस को कर देंगे हल्का, और पकाएंगे सब्जियों को जब तक कि वो 50% ना पक जाए, 50 से ज़्यादा हो जाएगा ना तो बाद में जो सब्जी होगी चावल के साथ जब पकेगी तो मैश हो जाएगी, इसलिए 40% ही पकाना आप, 40 बोलूँगा तो आप 50 पकाएंगे, मुझे मालूम है आपका 40% नॉट 50। अब जब तक सब्जी हमारी तैयार हो रही है, अलग से एक बड़े बर्तन में हम पानी को उबालने रख देंगे चावलों के लिए, और चावलों की बात हुई है तो ये है जी हमारे चावल, बासमती चावल, जिसे हमने 1 घंटे के लिए भिगो कर रखा था, ज़्यादा छेड़ना नहीं वरना चावल टूट जाएगा। चलिए सब्जी को देखते हैं, वाह ये देखें सब्जी 50% पक गई है, लेकिन देखिए सब्जी का पानी जो है ना बहुत कम है, ये जो झोल है काफ़ी कम है, इसलिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हमारा ये गर्मा गर्म पानी, और ये बढ़िया झोल सब्जी का तैयार। पानी उबल रहा है तो इसमें जाएगा नमक, थोड़ा नहीं ढेर सारा, ताकि पानी काफ़ी सॉल्टी हो जाए, घबराइए नहीं, चावल उतना ही सोक करेगा जितना उसे चाहिए, कम होगा इसके अंदर नमक तो चावल फीका निकलेगा। नमक के साथ साथ थोड़ी सी हरी इलायची और जावित्री भी जाएगी पानी के अंदर, वहीं पर बिरयानी के अंदर थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ा सा केवड़ा जल, ये दोनों ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास नहीं है इट्स परफेक्टली ओके। हमारी जो सब्जियां हैं उसमें ये उबले हुए मटर, उसको भी अब हम मिला देंगे टुवर्ड्स दी एंड, इसलिए डालते हैं ताकि मटर जो है ना वो डेलिकेट होते हैं, वो बिल्कुल ही मैशी ना हो जाए, इसलिए मटर के साथ साथ थोड़ी सी स्लिट करी हुई हरी मिर्च, जो चावल हैं उनका पानी हम निकालेंगे,
यूं, और वो जाएंगे सीधा इस उबलते हुए पानी में। पानी में डालने के बाद केवल एक दफा चावल को यूं हिलाना है, जस्ट वंस एंड आउट। अब चावलों को उबालना है जब तक कि वो 60-65% नहीं हो जाते। 70-75 मत करना, क्योंकि हमें जो लगता है ना 70-75 वो एक्चुअली में ज़्यादा हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कम होगा चावल खिला खिला निकलेगा, ओवर हो गया तो चावल की गुठली बन जाएगी। ये देखिए चावल किस तरीके से खिल गए, अभी भी इनमें बाइट है, बट दैट्स ओके क्योंकि इसे अब हम छान लेंगे केयरफुली। ये चावल अब जाएंगे सीधा सब्जियों के ऊपर। वंस अगेन बाकी के चावल भी इसके ऊपर, और अब एक साफ पोने की मदद से राइस को यूं फैला लीजिए, दबाना नहीं है फैलाना है यूं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा इलायची का पाउडर, थोड़ा सा गुलाब जल ऑप्शनल है, थोड़ा सा केवड़ा जल, ये है केसर जिसे हमने दूध में भिगो दिया था, थोड़ा सा ब्राउन अनियन या फ्राइड अनियन बिना तेल वाला हो जाएगा। अब ये जो चावलों का पानी है ये थोड़ा सा इसके ऊपर हम डालेंगे ताकि नीचे वो चिपके ना, क्या बोला सब्जी। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब देखिए चावल जो है उसके अंदर स्टार्च होती है, तेल इसके ऊपर हमने डाला नहीं, अंदर डाला नहीं, तो जाहिर सी बात है चावल आपस में चिपक जाएंगे। तो ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा दही उसके अंदर, ज़रा सा सॉल्ट, बड़ा हल्का सा कर लिया, और वो थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है वरना बड़े खट्टे खट्टे चावल बनेंगे, यू नो दही खट्टा होता है। बट लॉजिक हमारा ये है कि जब हीट लगेगी तो दही जो है वो स्प्लिट होगा, पानी और थोड़ा फैट चिकनाहट उसमें निकलेगी जो चावल को चिपकने नहीं देगी। हमारा ये जो हांडी का ढक्कन है इस पर हम यूं इसे लपेट लेंगे। थोड़ा सा आटा यहाँ ऊपर, गैस ऑन, एक मिनट के लिए हाई हीट पे से पकाना है ताकि जो नीचे मॉइस्चर है उसके अंदर बॉयल आ जाए। उसके बाद गैस को हल्का करना है, 10 से 12 मिनट इसे फिर लो हीट पे पकने दीजिए। बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी, तैयारी कीजिए गार्निश की। दस बारह मिनट हो चुके इसलिए गैस बंद, लेकिन गैस बंद करने के बाद भी 10 मिनट का रेस्ट इसे दीजिए ताकि चावल जो है वो अपने ही भाप में अच्छे से खिले और बिरयानी की पूरी खुशबू सोख कर ले। ऑलराइट, टाइम टू ओपन दिस। वाओ, लुक एट दैट, सुपर ब्यूटीफुल, अमेजिंग लुकिंग बिरयानी। चावल का एक एक कण अलग है, लुक एट दिस, देखने में तो बढ़िया लग रही है। अब थोड़ा सा डिक करके देखते हैं। अरे वाह, सुपर बिरयानी, सुपर बिरयानी। और देखिए चावल का एक एक कण अभी भी अलग है, जैसे कहते हैं बिरयानी बिना तेल वाली। चलिए इसे प्लेट करते हैं। चलो जी, ये हेल्दी बिरयानी जो है इसे टेस्ट करने का समय आ गया। बुरानी रायता के साथ
ये बिरयानी अमेजिंग है, पता ही चल रहा कि इसके अंदर तेल बिल्कुल नहीं है। और अगर आपको बिरयानी के रायते की रेसिपी चाहिए ना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में टू वॉच। सुपर्ब।